जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पर एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना इस साल का यानी सेशन 2024-25 का एडमिशन का गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बहुत सारे कोटा में जो है सीटें कम कर दी गई हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चाहे आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1-2-3 में कराना चाहते हो या क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बीच में कराना चाहते हो, आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कोटा वाइज जो है वैकेंसीज कम कर दी गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अब किस कोटा से कितने वैकेंसीज हैं और कितने बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उससे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे वहाँ से भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और एक एक कोटा वाइज मैं आपको बताता हूँ कि किसका पहले कितना वैकेंसी था और कितना मतलब सीटें रिजर्व थी, अभी कितनी हो गई हैं, ये आप सभी पेरेंट्स का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरटीई कोटे की यानी राइट टू एजुकेशन कोटे के लिए। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि 25% सीटें रिजर्व थी इसके लिए, और इसमें जो है 10 सीटें ईच एंड एवरी सेक्शन में होते थे, यानी कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे होते थे तो उसमें से जो है 10 बच्चे जो है आरटीई कोटे के होते थे। लेकिन जो ये नया गाइडलाइन आया है इसके अकॉर्डिंग अब जो है इसमें 2 सीटें कम कर दी गई हैं, यानी कि अब सिर्फ आरटीई कोटे से 8 ही बच्चों के एडमिशन होंगे ईच एंड एवरी सेक्शन में। उसके बाद जो अगला है वो है एससी, यानी कि एससी कास्ट कोटे से जिन बच्चों के एडमिशन होते थे उसमें 15% सीटें रिजर्व होती थी और ईच एंड एवरी सेक्शन में 6 बच्चों के एडमिशन होते थे। लेकिन अब जो नया एडमिशन गाइडलाइन आया है उसके तहत एक वैकेंसी यहां पर कम कर दिया गया, यानी जो पहले 6 बच्चों के एडमिशन होते थे अब वहां पर सिर्फ 5 ही बच्चों के एडमिशन होंगे ईच एंड एवरी सेक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कोटे की, तो एसटी कोटे के लिए 7.5% सीटें रिजर्व होती थी, जिसमें कि 3 सीटें ईच एंड एवरी सेक्शन में होते थे पिछले साल और उससे पहले। लेकिन इस साल की गाइडलाइन आने के बाद जो है अब एसटी कोटे से जो बच्चों के एडमिशन होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही सीटें ईच एंड एवरी सेक्शन में रिजर्व होंगी एसटी कोटा वालों के लिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती थी वो होती थी ओबीसी एनसीएल कोटा में, यानी कि पिछले साल और उससे पहले जो है 11 सीटों पर ईच एंड एवरी सेक्शन में एडमिशन होते थे ओबीसी एनसीएल कोटे से। लेकिन अब इसकी सीटों की संख्या कम कर दिया गया है इस साल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अब जो है सिर्फ 8 ही सीटें होंगी, यानी कि 3 सीटें इसमें ओबीसी एनसीएल कोटे में कम कर दी गई हैं। अब जो है 8 ही सीटों पर ओबीसी एनसीएल कोटे से जो है ईच एंड एवरी सेक्शन में एडमिशन होंगे, चाहे आप बाल वाटिका 1-3 की बात करें, चाहे क्लास 1 से लेकर के 12 तक, अगर किसी भी क्लास में अगर एडमिशन होते हैं तो ये इतने ही सीटें मैक्सिमम रिजर्व होंगी। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि जो आपका डीए कोटा है यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है 3% सीटें रिजर्व होती है ईच एंड एवरी सेक्शन में। पहले भी यही था और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया परसेंटेज में। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बता दूं, एसजीसी कोटा जो इस साल का गाइडलाइन आया है सेशन 2024-25 का, उसमें एसजीसी कोटे का कहीं भी जिक्र नहीं है। देखिए, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन होते हैं वो एसजीसी, वो कोटा एंड कैटेगरी वाइज के जो डिटेल्स लिखे रहते हैं गाइडलाइन में उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होते हैं, लेकिन एसजीसी कोटे का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेकर के आप लोग साथ शेयर करूँगा कि क्या इस साल एसजीसी कोटा से एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितने सीटें होंगी, क्योंकि इससे पहले जो है ईच एंड एवरी सेक्शन में 2 सीटें होती थी एसजीसी कोटे की, लेकिन अब क्लियर नहीं है कि एसजीसी कोटे से एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही इसके ऊपर मुझे अपडेट मिल जाएगा मैं इस टॉपिक पे एसजीसी कोटे वाले टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये था सीट को लेकर के कितनी सीटें कम हो गई हैं। तो अभी आप सभी पेरेंट्स को पता चल गया कि सभी कोटा एंड कैटेगरी में कितने सीटें हैं। एक बार शॉर्ट में दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आरटीई कोटे से अब 8 ही बच्चों के एडमिशन हो पाएंगे ईच एंड एवरी सेक्शन में, एससी कोटे से 5 बच्चों के एडमिशन हो पाएंगे, एसटी कोटे से 2 बच्चों के एडमिशन हो पाएंगे ईच एंड एवरी सेक्शन में, और ओबीसी एनसीएल जिससे कि सबसे ज़्यादा बच्चों के एडमिशन होते थे अब जो है सिर्फ 8 ही बच्चों के एडमिशन हो पाएंगे ईच एंड एवरी सेक्शन में। उसके अलावा जो डीए कोटे वाले होंगे उनके लिए जो है 3% सीटें रिजर्व है, और एसजीसी कोटा के लिए कहीं भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो एसजीसी कोटे के लिए आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर भी रहे, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले थे, कि हो सकता है कि एसजीसी कोटे से एडमिशन ना भी हो, तो आप बाद में ऐसा ना सोचे कि हमें
जीरो टाइम में पता चला, इसलिए मैंने वीडियो बना करके पहले से आपको इन्फो कर दिया कि हो सकता है कि एचएससी कोटे से एडमिशन ना भी हो, या हो सकता है कि हो, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इसको कंफर्म करने के बाद, हर जगह से पता करने के बाद, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि और सभी पेरेंट्स को भी जो है मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिल सके। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।